सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट है 11th साइंस का, है ना। 11th साइंस जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो 11th साइंस का फिजिक्स है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे आज हम लोग, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना। तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, दो से तीन लेक्चर लगेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है जिसमें हम लोग कुछ पार्ट देखेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब में पहले हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, हमारे चैप्टर के टाइटल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, व्हाट इज मीन बाय यूनिट, है ना। तो यूनिट किसको बोलते हैं, ना स्कूल्स वगैरह में पढ़े हम लोगों ने। यूनिट क्या होता है? अ मेजरिंग क्वांटिटी, मतलब कोई भी चीज को जिस क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग दुकान पे जाएंगे ना राशन वगैरह कुछ खरीदने के लिए, आप भी जाते हैं ना दुकान पे, जाते हैं हम लोग, ना। दुकान पे जाके हम लोग बोलते हैं भाई क्या करो, आधा हाफ केजी क्या कर दो, राइस दे दो, है ना। 2 kg राइस दे दो, है ना, चावल दे दो, दाल दे दो, 2 kg दाल दे दो, 1 kg तेल दे दो, है ना। ऐसे हम लोग जाके क्या बोलते हैं उनको, बोलते। तो किसमें बोलते हैं हम लोग, 1 kg में बोलते। ऐसे बोलते हैं कि हम लोग जाके भाई इतना हमको क्या करो, दाल दे दो, है ना, इतनी हमको शक्कर दे दो, ऐसे बोलते हैं क्या, है ना। ऐसे बोलेंगे तो देगा क्या दुकानदार, नहीं देगा, है ना। तो उसको क्या बोलना पड़ता है, एक स्पेसिफिक यूनिट्स के साथ बोलना पड़ता है। तो केजी क्या है, उसका यूनिट है, है ना। तो उस तरह से डे टू डे लाइफ में हम लोग यूनिट्स का इस्तेमाल हमेशा करते हैं, है ना। जैसे कि आपको आपका कोई मास पूछेगा, आपको आपका कोई वेट पूछेगा, आपकी हाइट आपको बताना है किधर, है ना। तो हर चीज का क्या है, स्पेसिफिक यूनिट है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हमारे यूज करते हैं। हम लोग रनिंग करते हैं, हम लोग जॉगिंग करते हैं, हम लोग बाइक चलाते हैं, है ना। तो कितना डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया है कि ना। तो हर एक चीज का क्या होता है, यूनिट होता है। और सब में इंपॉर्टेंट है टाइम, है ना, जो चल रहा है, कितना लेंथ हो रहा है, कितने सेकंड्स हो रहे हैं, कितने मिनट्स हो रहे हैं, कितने आवर्स हो रहे हैं, ये भी इसका भी क्या है, ये यूनिट्स है ना। तो विदाउट यूनिट हमारी जो लाइफ है वो कैसी है, यूजलेस है ना। तो यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, अब ये यूनिट्स है और दूसरी चीज क्या है, मेजरमेंट, मतलब उसको मेजर कैसे करते हैं, ये सब हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में देखेंगे, है ना। तो सब में फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, जो ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्कूल पार्ट्स में पूरा सीखा हुआ है, जस्ट यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेंगे इसको। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से थे, है ना। तो प्रीवियस जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे जनरली 1971 से पहले पहले तक, 1971 से पहले पहले तक हम लोग 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते थे, है ना। एक हमारा MKS सिस्टम ऑफ यूनिट था, दूसरा था हमारा CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और थर्ड हमारा क्या था, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट्स के सिस्टम, है ना, यूनिट्स को किस किस चीज में हम लोग मेजर कर रहे हैं ना। अभी तीनों के तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो फंडामेंटल, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, ये आगे हम लोग देखने वाले हैं ना। अभी सिर्फ ध्यान दो, है ना, वो 3 क्वांटिटी कौन से है, वो 3 क्वांटिटी है, देखो लेंथ, मास और टाइम, है ना। क्या क्या है, लेंथ, मास और टाइम, है ना। तो आप देखो MKS, MKS मतलब क्या है, लेंथ, लेंथ किसमें गिनते हैं हम लोग, मीटर में, तो M4 मीटर, और K मास, मास किस में गिनते हैं, किलोग्राम, है ना। तो K किस लिए आ गया, K इज स्टैंड फॉर किलोग्राम, और S क्या है, थर्ड क्वांटिटी क्या है, टाइम, टाइम किस में गिनते हैं हम लोग, सेकंड में, तो S फॉर सेकंड, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। मतलब क्या करेंगे हम लोग, कभी भी हम लोग मास लेंथ गिनेंगे तो उसको मीटर में गिनेंगे, और जो मास गिनेंगे उसको किलोग्राम में गिनेंगे, और जब भी टाइम गिनेंगे तो उसको सेकंड में गिनेंगे। तो ऐसा हम लोग क्वांटिटीज को मेजर करेंगे तो उसको कौन सा सिस्टम बोलेंगे हम लोग, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे, है ना। अब वैसे दूसरा वाला है हमारा CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। अब CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में भी देखो सी, सी फॉर क्या है, लेंथ, है ना। लेंथ का दूसरा यूनिट क्या है, हमको पता है, हम लोग स्टूडेंट्स हम लोग मैक्सिमम ये यूनिट को यूज करते हैं हम लोग, है ना। हमारी जो स्केल है ना, स्केल कौन सी स्केल यूज करते हैं हम लोग, सेंटीमीटर की स्केल यूज करते हैं ना। तो सी फोर क्या होता है, सेंटीमीटर, राइट, सी फोर सेंटीमीटर। अभी बीच में वाला देखो ग्राम, अभी किलोग्राम, किलोग्राम का छोटा यूनिट क्या है, ग्राम्स, है ना। तो आपको तो पता होगा 1000 ग्राम का क्या होता है, 1 kg होता है ना। तो देखो अब ये G स्टैंड फॉर ग्राम्स,
अब एस क्या है, एस तो टाइम है आपको पता है, ये तो सेकंड है टाइम, इधर भी सेकंड रहेगा इधर भी सेकंड। और एफ, अब थर्ड वाला जो यूनिट है हमारा एफपीएस यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं इसको, है ना। ब्रिटिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटीज हम लोग यूज करते हैं वो ब्रिटिश क्वांटिटीज होती है जनरली। देखो लेंथ है ना, अब लेंथ देखो, लेंथ हम लोगों ने मीटर सेंटीमीटर से हम लोग फैमिलियर है। उसके बाद देखो हमारा फ्लैट होता है या फिर कोई जमीन हम लोग गिनते हैं, है ना, लैंड गिनते हैं, तो उसको कैसे गिनते हैं, कितना स्क्वायर फीट है, कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट है, कितने स्क्वायर फीट का एरिया है, या कितने बाय दस फीट का एरिया है, बोलते हैं ना हम लोग, है ना। तो वो लेंथ किस में गिनते हैं हम लोग, फिट, है ना, फिट या फुट बोलो, है ना। अभी उसके बाद ये जो है ये भी मास का यूनिट है पी, है ना, ये किसका यूनिट है, मास का। पी से क्या आता है, पाउंड, है ना। तो अगर आप लोग देखो WWE देखते होगे तो रेसलर्स की जब भी एंट्री होती है ना तो देखो उनका मास बोलता है, क्या बोलता है, 365 pounds, 370 pounds, है ना, वो पाउंड्स में बोलता है, किलोग्राम से बोलता है क्या, नहीं बोलता है ना। तो इसके लिए पाउंड्स क्या है, ये पाउंड्स भी मास का यूनिट है पाउंड्स। एंड एस अगेन फॉर सेकेंड, एस फॉर सेकेंड। तो ये हमारे थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड है, वो है आगे देखेंगे हम लोग, है ना, अभी जो बेसिक देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो जनरली देखो 1970 से पहले तक, 70 के पहले तक हम लोग जितने भी हमारे साइंटिस्ट लोग वगैरह थे पूरे वर्ल्ड में ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते थे, है ना। तो जैसे 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, लास्ट सिक्स कॉन्फ्रेंस हुआ था मेजर्स एंड यूनिट्स का, तो वहां पे वो लोगों ने क्या किया, एक डिसीजन लिया, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, है ना। और वो डिसीजन क्या था कि वो लोगों ने बोले थे कि भाई ये जितने भी यूनिट्स है, तीन तीन यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है ना कि भाई हम लोग कोई एक क्वांटिटी को मीटर्स में मेजर कर रहे हैं, कोई और देश उसको सेंटीमीटर में कर रहा है, कोई और उसको फीट में कर रहा है ना, तो तीन तीन यूनिट्स क्यों यूज करें, कंफ्यूजन क्यों करें, एक स्टैंडर्ड क्यों नहीं क्रिएट करें हम लोग कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग सिर्फ एक ही यूनिट का यूज करें, है ना। जैसे कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कैसा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना इंग्लिश, हम लोग कहां पे भी पूरे वर्ल्ड में जाएंगे तो इंग्लिश कैसा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। तो बाकी देशों में जाएंगे, चाइना में चाइनीज चलता है, फ्रांस में फ्रेंच चलता है ना, इंडिया में हिंदी, उधर कोई किधर और कोई लैंग्वेज चलती है ना, तो हर देश में अलग अलग लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश कैसा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, है ना। तो उसी तरह से वो लोगों ने क्या सोचे कि ये तीन तीन सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों रखे, है ना। तो इसके लिए वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट इजाद की है ना। तो वो यूनिट को नाम क्या दिया वो लोगों ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, है ना। क्या नाम दिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, है ना। इंटरनेशनल मतलब हर एक देश में जो चलेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, है ना। तो इसको इस शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, SI यूनिट, क्या बोलते हैं, SI यूनिट, है ना। और SI यूनिट ऑफ सिस्टम, है ना, क्या है, SI यूनिट ऑफ सिस्टम, है ना। तो ये SI यूनिट ऑफ सिस्टम वो लोगों ने वहां पे क्रिएट कर दिया सबने मिलके, और उसके बाद 1971 के बाद अभी तक तो पूरा SI सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से ही सब चल रहा है मेजरमेंट में और यूनिट्स में, हम लोग यही सिस्टम यूज करते हैं, इसको SI सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, है ना। तो समझ में आया सिस्टम ऑफ यूनिट क्या था, SI सिस्टम ऑफ यूनिट कैसे बना और कब से वो चालू हो गया, है ना, 1971 के बाद से चालू हो गया। ये तो हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। अब देखते हैं हम लोग हमारे चैप्टर के कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, है भाई, देखते हैं। जैसे मैंने बोला ये लेंथ मास टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, है ना, व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, है ना। आई थिंक ये भी आपको स्कूल में हुआ है, है ना, फिर भी हम लोग यहाँ पे हम भूल जाते हैं ना, स्कूल में जो होता है हम लोग जैसे ही सेमिस्टर पास हुआ हम लोग पिछला सब भूल जाते हैं, है कि नहीं। तो देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, किसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इसको शॉर्टकट में हम लोग पी क्यू से डिनोट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन है हमारे पास, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, द क्वांटिटी, क्या बोल रहा है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन
इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब्स which describes the laws of physical world. मतलब अभी physical quantity किसको बोलते हैं? The quantity which can be measured by an instrument. मतलब ऐसी quantity जो कोई भी instrument से क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको measure कर सकते हैं, और वो क्या describe करती है, वो हमारे physical worlds के कोई ना कोई लॉ को डिस्क्राइब करती हो, है ना। ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो जनरली देखो, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यूब का, है ना, क्या होता है, एन इंटो यू, है ना, वेयर एन क्या होता है, एन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, एन इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या होता है, यू इज यूनिट, है ना, कोई भी चीज का यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि अभी मेरा वेट है ना, तो वेट ऑफ वसीम सर, सिर्फ अगर एग्जाम्पल लेंगे, वेट ऑफ वसीम सर इज इक्वल टू, सपोज कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे कोई एक क्वांटिटी है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेट ऑफ वसीम सर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स द वेट ऑफ, है ना, गोट, है ना, कोई एक बकरी है जिसका वेट कितना है, 15 किलो है ना, उसका वेट कितना है, 15 किलो, और मेरा वेट कितना है, 60 केजी, है ना। तो मेरा वेट कितने टाइम्स है, मेरा वेट है भाई 4 × 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 केजी आ जाएगा वसीम सर का वेट, है ना। तो यहाँ पे 4 क्या है, 4 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू एक यूनिट है, जो भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट जैसा बोलते हैं ना हम लोग, जो आप लोगों ने सीखा है, लेकिन आपको अभी एग्जैक्टली पता नहीं कि मैं क्या बता रहा हूँ, वो समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना, जैसे आगे आगे लेक्चर बढ़ेगा सब समझ में आएगा, है ना। तो सिंपल में सिर्फ इतना याद रखो, ये सब याद नहीं रखे कि तो भी चलेगा, सिर्फ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ये आगे हम लोग को काम में आने वाला है ना। तो अभी देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, आपको समझ में आ गया, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते कोई एक इंस्ट्रूमेंट से, और विच डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ आवर फिजिकल वर्ल्ड, है ना, फिजिकल का कोई भी लॉज, है ना, लॉज तो पता है ना आपको, फिजिक्स के लॉज कौन से पता है, कुछ तो याद होगा, है ना, न्यूटन्स के लॉज है ना, और कौन सा है, ग्रेविटेशन के लॉज है, पास्कल्स लॉज है ना, तो ये सब आगे भी हम लोग को सीखना है, है ना, बहुत सारे लॉज है। अब देखो, ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी, अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे हम लोग, है ना। अभी क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के भी टाइप है भाई, कितने टाइप है फिजिकल क्वांटिटी के, 3 टाइप, है ना, फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप है, फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप है। तो सब में फर्स्ट वाला जो है उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और सेकंड वाली जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना, और जो थर्ड वन है इसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अब देखो, सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इनके कुछ फिक्स वैल्यूज है, इतने ही है ना, जैसे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं, ये 7 ही है, है ना, और सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, 2 ही है ना, लेकिन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कितनी, अनगिनत है, बहुत सारे, है ना, मैं बहुत सारे नंबर ऑफ क्वांटिटीज है डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। तो सब में पहले हम लोग देखते हैं कि भाई जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो सब में पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन ले लेंगे, है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहां पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं हम लोग, है ना, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, देखो, विच ए क्वांटिटी, है ना, कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, डिफाइन एज ए क्वांटिटी, है ना, ए क्वांटिटी विच
ए क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे भाई? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है क्या? नहीं है। किस चीज के लिए? उसके खुद के मेजरमेंट के लिए। उसके खुद के मेजरमेंट के लिए वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है क्या? नहीं है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है ना खुद के मेजरमेंट के लिए। वैसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं ना। तो एग्जांपल के साथ सीखेंगे हम लोग। जैसे कि मैंने तुमको बताया 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, तो सब में पहला वाला क्या है हमारा? लेंथ है, है ना। लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आप देखो कैसे, देखो जैसे वो बोल रहा है लेंथ, कोई भी चीज की लेंथ हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट गिनते ही है ना। मुझे चाहिए अभी ये बोर्ड कितना लंबा है ना, ये बोर्ड को मुझे गिनना है, तो मैं क्या करूंगा टेप लूंगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, टेप इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली इसको गिनूंगा, है ना। तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी, इतनी लेंथ है ना। ये सपोज इतना हो गया 100 सेंटीमीटर है, ये सपोज ये 2 मीटर है ना। तो मुझे क्या होगा, लेंथ मैं डायरेक्टली क्या करूंगा? मेजर करके निकालूंगा, है ना। मैं क्या करूंगा, लेंथ को डायरेक्टली मेजर करके निकालूंगा, है ना। मास, अब कोई भी चीज है उसका मास हम लोग को निकालना है, तो मास निकालना है तो क्या करेंगे आप? आपका मास कहां पे देखते हो, है ना? वजन की मशीन होती है ना, वजन का कांटा होता है, वहां पे जाके आप खड़े हो जाते हो, तो वो मशीन आपको बताती है कि इतना इतना आपका वजन है, इतना इतना आपका मास है ना। तो वो क्या है? दैट इज अ इंस्ट्रूमेंट, है ना। वो इंस्ट्रूमेंट है मास मेजर करने का। इंस्ट्रूमेंट आपको डायरेक्टली आपकी जो मास है उसकी वैल्यू बता रहा है, है ना, है कि नहीं? तो डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल रही है। कुछ कैलकुलेशन करके वैल्यू मिल रही है क्या? नहीं, है ना। तो जब कैलकुलेशन करके वैल्यू मिलती है तो वैसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। एग्जांपल लूंगा ताकि ये आपको समझ में आए। जैसे कि लेंथ हम लोग गिन के ले रहे हैं, मास हम लोग गिन के ले रहे हैं, टाइम भी, टाइम गिनने के लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वॉच है, स्टॉप वॉच है ना। तो वॉच से हम लोग को टाइम पता चलता है, कितने बजे हैं, कितने घंटे हो रहे हैं, कितना मिनट हो गया है ना। तो वो क्या है? वो एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जिससे हमको डायरेक्टली टाइम की वैल्यू मिल रही है कि नहीं। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटी, जो खुद के कैलकुलेशन, खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है, डायरेक्टली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ही उसकी वैल्यू हमको मिलती है ना। अगर सपोज आप देखो एरिया है ना, अभी एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल ले लेंगे हम लोग, एक रेक्टेंगल है ऐसा, ये इसका विड्थ है और ये इसका डेप्थ है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा? बी इंटू डी, है ना, विड्थ इंटू डेप्थ, है ना। तो अब देखो ये विड्थ मतलब क्या है? विड्थ मीन्स नथिंग बट इट इज अ ये पार्ट है ना, सपोज इसको नाम दे देंगे हम लोग, ये ए बी सी और डी, है ना। तो ए बी का लेंथ मतलब क्या है? ये विड्थ है। तो विड्थ मतलब क्या? इट इज नथिंग बट लेंथ, है ना। और देखो डेप्थ मतलब क्या? सीडी मेंबर का लेंथ, मतलब ये भी क्या है? एक लेंथ है, है ना। तो मतलब ये दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा, है ना। तो एरिया क्या है? एरिया ये दोनों लेंथ पे क्या है? डिपेंड है। एरिया निकालने के लिए हमको ये दोनों लेंथ पे डिपेंड है। अब एरिया निकालने के लिए मैं टेप लेके डायरेक्ट इसको मेजर करूंगा तो एरिया मिलेगा क्या? एरिया मिलेगा क्या मुझे? नहीं मिलेगा। मुझे सिर्फ इसकी लेंथ मिलेगी, इसकी लेंथ मिलेगी, लेकिन वो लेंथ को लेके मुझे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके मुझे एरिया मिलेगा, है ना। तो इसके लिए एरिया ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं मिलती हम लोग को, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है ऐसे, है ना, तब जाके एरिया मिला, है ना। वॉल्यूम वेलोसिटी ये कैलकुलेट करना पड़ता है तब जाके मिलता है। लेंथ, लेंथ को, लेंथ लेने के लिए हमको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मेजरिंग टेप लो, इधर मेजर करो, लेंथ मिल जाएगा, है ना, है कि नहीं। तो वैसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जो डायरेक्टली मेजर करके हम लोग को मिल जाती है, जो किसी और क्वांटिटी पे, फिजिकल क्वांटिटी पे खुद के मेजरमेंट के लिए डिपेंड नहीं होती है, है ना। तो अब देखते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन से, कितने क्वांटिटीज है? 7 क्वांटिटीज है, जैसे मैंने बताया आपको।
तो अब ये सेवन क्वांटिटीज कौन से कितने सारे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये डेफिनेशन थोड़ा सा मैं इसकी रफ कर देता हूं। तो सब में पहला जो है वो है लेंथ, सब में पहली हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। अब लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ को किसमें गिनते हैं हम लोग, एसआई यूनिट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम क्या है हमारा, लेंथ गिनते हैं हम लोग मीटर में, किसमें गिनते हैं मीटर में। और इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है एम, स्मॉल एम से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, मीटर में गिनते हैं एसआई यूनिट। वैसे तो बहुत सारे इंच है, सेंटीमीटर है, एमएम है, माइक्रोमीटर है ना, फीट है, लेकिन हम लोग गिनते किसमें है, एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। यहाँ पे एसआई यूनिट देखेंगे हम लोग। अब देखो सेकेंड जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी वो है मास। अभी देखो मास किसमें गिनते हैं हम लोग, ये तो सबको पता है भाई, किलोग्राम है ना। किलोग्राम का क्या है सिंबल, क्या है केजी, है ना, केजी बोलते हैं हम लोग, है ना, किलोग्राम में, राइट। उसके बाद देखो थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी टाइम। अभी टाइम किसमें गिनते हैं हम लोग, सेकेंड्स, सेकेंड्स का सिंबल क्या है एस, है ना, स्मॉलेस्ट डिनोट करते हैं हम लोग सेकेंड्स। टाइम देखो लेंथ मास टाइम, ये तीन जो फंडामेंटल क्वांटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब उसके बाद देखो फोर्थ नंबर पे आता है टेम्परेचर, इसका कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, 1 2 3 4 यही सीक्वेंस आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किसमें गिनते हैं हम, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में गिनते हैं, डिग्री केल्विन में गिनते हैं ना, फारेनहाइट में गिनते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है डिग्री केल्विन, तो इसको नोट करते हैं हम लोग सिंबल के से। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वांटिटी, फिफ्थ क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है ना। अब इलेक्ट्रिक करंट किसमें गिनते हैं हम लोग, एम्पियर में, है ना। देखो यहां पे लिख देंगे हम लोग एम्पियर, और एम्पियर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ए भी यूज करते हैं, आई भी यूज करते हैं। देखो एम्पियर के लिए कैपिटल ए भी यूज करते हैं, कई जगह पे आई भी यूज करते हैं, ओके। अब देखो अब ये हो गया फिफ्थ, अब ये सिक्स, नंबर सिक्स कौन सा है हमारा, नंबर सिक्स है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अभी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, इसका यूनिट है कैंडेला, है ना, क्या है कैंडेला, है ना, कैंडल होता है ना वैसा कैंडेला, है ना। अभी इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है सीडी, है ना, सीडी से नोट करते हैं इसको। अभी सेवेंथ वाला क्वांटिटी है, सेवेंथ वाला फिजिकल क्वांटिटी है हमारा, ये नीचे का दिखेगा नहीं, मैं इधर लिख देता हूं, सेवेंथ वाला फिजिकल क्वांटिटी है हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें गिनते हैं हम लोग, मोल, है ना, मोल ऑफ मास बोलते हैं ना, दैट इज मोल में गिनते हैं इसको हम लोग, है ना। और इसको इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल भी MOL, है ना, मोल, तो मोल ऑफ मास में गिनते हैं और MOL इसका सिंबल, है ना। तो ये सात जो है हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और इनके ये यूनिट्स है ना, ये पक्का याद कर लेने का बहुत काम में आएगा ये, है ना। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं ना। अब और ये फिक्स है, सात से आगे कुछ है क्या, नहीं है, सात के साथ ये बस। अब देखते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, देखेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, सो क्या बोलते हैं ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नंबर टू की फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल, पीक्यू लिख देते हैं यहाँ पे ना शॉर्टकट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन है, मतलब ऐसे क्वांटिटी, क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो लिखो ए क्वांटिटी विच
which depends on other physical quantities for their measurement. For their measurements, है ना? तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे. फंडामेंटल के एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब ऐसे क्वांटिटी जो खुद के कैलकुलेशन के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पे, या फिर हम लोग बोलेंगे फिजिकल बोलने से फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, विच आर डिपेंड्स ऑन दी फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट, है ना. तो वैसे क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे हम लोग? डिराइव्ड क्वांटिटी. अब डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, जिसमें एक सिंपल सिंपल वाले लेंगे हम लोग, एरिया, है ना. ऐसे कि मैंने बताया रेक्टेंगल का एरिया है, ये है इसकी विड्थ, ये है इसकी डेप्थ, क्या हो जाएगा? विड्थ इंटू डेप्थ, है ना. अब ये विड्थ भी लेंथ है, डेप्थ भी लेंथ है, है ना. तो अब ये क्या हो जाएगा? ऐसे भी लिख सकते हैं हमको इसको, लेंथ इंटू लेंथ, है ना. तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा, देखो लेंथ किसमें गिनते हैं हम लोग? मीटर में. और ये लेंथ गिनेंगे मीटर में, विड्थ भी लेंथ में मीटर में, और डेप्थ भी मीटर में. तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, है ना. क्या हो गया यूनिट इसका? मीटर स्क्वायर, है ना. तो ये हो गया हमारा एरिया. अब एरिया देखो खुद के कैलकुलेशन के लिए लेंथ और लेंथ पे डिपेंड है, और लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना. मतलब इसका जो एरिया है वो खुद के मेजरमेंट के लिए अदर फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज लेंथ, है ना, लेंथ पे डिपेंड है. तो इसके लिए ये कैसी क्वांटिटी हो गई? ये हो गई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई, है ना. अब उसके बाद देखेंगे हम लोग और क्या है, वॉल्यूम है. अब वॉल्यूम देखो, है ना, अगर सपोज ये मैंने इसको क्यूब बना दिया ऐसे, अगर सपोज ये ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स है, है ना, इट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, है ना. अब रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो इसका ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी इसकी लेंथ, ये हो जाएगी इसकी विड्थ, और ये हो जाएगी इसकी हाइट बोलो या थिकनेस बोलो, चलेगा, नोटेशन चेंज होते रहते हैं ना. अभी देखो लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं, है ना. तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा, है ना. तो वॉल्यूम इज इक्वल लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, है ना. अभी लेंथ मतलब तो लेंथ ही है, विड्थ भी क्या है? विड्थ मतलब ये इसका इतना लेंथ है ना, ये पोर्शन का इतना सा, इतना जो लेंथ रहेगा इसकी विड्थ रहेगी, मतलब ये भी लेंथ है. और हाइट मतलब ये वाली लेंथ, वर्टिकल लेंथ, है ना. तो ये भी क्या हो गई? लेंथ. तो देखो लेंथ गिनते हैं हम लोग मीटर में, ये भी लेंथ गिनते हैं मीटर में, ये भी लेंथ गिनते हैं मीटर में. तो देखो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मतलब क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब. तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब. अब देखो वॉल्यूम खुद के कैलकुलेशन के लिए लेंथ पे डिपेंड है, लेंथ विड्थ और हाइट ये तीनों पे डिपेंड है ना. तीनों भी क्या है? लेंथ ही है बेसिकली. तो इसके लिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है खुद के मेजरमेंट के लिए. तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? ये हो गई हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना. और हम लोग देखते हैं अगर वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, डीएस बाय डीटी, है ना, या फिर एस बाय टी बोलो, कोई भी चलेगा, है ना. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है ना. अभी डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसमें गिनते हैं? डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस कवर किया हम लोगों ने एक सक्सेसिव पॉइंट से दूसरे सक्सेसिव पॉइंट पे, हम लोग पहुंच गए एक डिस्टेंस कवर करके, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम लोग, है ना. तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस जो गिनते हैं हम लोग मीटर में, जो कि लेंथ है, है ना. इट इज नथिंग बट लेंथ. और डीटी मतलब ये क्या है? टाइम, चेंज इन टाइम मतलब टाइम है, है ना. तब ये टी है, है ना. तो अभी लेंथ किसमें गिनते हैं हम लोग? मीटर में. और टी मतलब क्या है? सेकेंड, है ना. तो इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड. अब देखो वेलोसिटी खुद के मेजरमेंट के लिए दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड है, विच इज लेंथ एंड टाइम, है ना. तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी. और इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना. अब ये सेकंड नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड रेस टू माइनस वन, है ना. अभी एस के ऊपर कुछ नहीं है, रेस में मतलब क्या होता है? वन होता है ना. ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो माइनस वन हो जाएगा, राइट. तो ऐसे ही बहुत सारे क्वांटिटीज, बाकी के सब क्वांटिटीज है वो कैसे? डिराइव्ड क्वांटिटीज है, है ना. तो चलो अभी डिराइव्ड क्वांटिटी समझ में आ गया हम लोग को. अब देखते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, है ना. सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है?
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जनरली फंडामेंटल क्वांटिटी जैसा ही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में भी उसको हम लोग रख सकते हैं, है ना, क्योंकि उसके भी वैल्यूज कैसे है, फिक्स वैल्यूज है। सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी, अब सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी जो ऐसे क्वांटिटीज जो फिक्स क्वांटिटीज है ना, लेकिन इट इज समथिंग डिफरेंट, है ना, इसको कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं बता सकते हम लोग, है ना। अब इसमें भी ये दो क्वांटिटीज है ऐसे, है ना, अभी दो क्वांटिटीज कौन से है वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, एंगल, कोई भी चीज का एंगल, एंगल किस में गिनते हैं हम लोग जनरली, थीटा, एंगल को गिनते हैं हम लोग थीटा में, है ना, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंगल या फिर और प्लेन एंगल, एंगल और प्लेन एंगल, है ना। प्लेन मतलब क्या है, अभी प्लेन समझ लो, प्लेन किसको बोलते हैं, प्लेन मतलब ऐसी चीज जिसका थिकनेस नहीं होता है, है ना, जैसे कि रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इनका थिकनेस होता है क्या, नहीं होता है। कोई भी चीज जिसका थिकनेस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो थ्री डायमेंशनल चीज हो जाएगी, है ना, उसका वॉल्यूम बनता है ना। थिकनेस जिसका नहीं होता है, जो प्लेन्स होते हैं उनका सिर्फ एरिया निकलता है, उनका वॉल्यूम नहीं निकलता, क्योंकि उनकी कुछ भी थिकनेस नहीं होती है ना। विदाउट थिकनेस जो चीजें होती है उसको प्लेन्स बोलते हैं हम लोग, है ना, जनरली प्लेन मतलब वो उड़ने वाला एरोप्लेन नहीं है, है ना। यहाँ पे प्लेन मतलब ये ड्रॉइंग वाला प्लेन सरफेस, है ना, जो सरफेस जिसका थिकनेस नहीं होता है ना, दैट इज प्लेन्स, है ना। तो अभी प्लेन्स के एंगल या फिर लाइन्स भी पकड़ सकते हैं हम लोग, लाइन से सिंपल समझ में आएगा, सपोज एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे एक लाइन बना दी हम लोगों ने, अब ये दोनों के बीच में का जो ये रहेगा हमारा एंगल, है ना, इसको हम लोग थीटा से नोट करते हैं जनरली, है कि नहीं। अब अगर मैं इसको क्या करूं, यहां से ऐसे ये कंप्लीट सर्कल बना दूं इसका, है ना, तो ये इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है ना, और ये क्या हो गया, दिस इज द, ये यहां से यहां तक क्या हो गया, ये आर्क हो गया, है ना, और का जो एंगल यहाँ पे था, ये एंगल ऐसे मूव किया तो यहां तक सब्सटेंड कर दिया उसने, एंगल इतना सब्सटेंड किया, थीटा एंगल सब्सटेंड किया, तो ये आर्क प्रोड्यूस हो गया, है ना। तो अब ये थीटा क्या है, इट इज द एंगल, है ना, ये है एंगल, या फिर इसको प्लेन एंगल भी बोल सकते हैं हम लोग। अब इसको मेजर कैसे करें, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ना, पहले भी सीखा है हम लोगों ने ये, थीटा एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, इसको हम लोग रेडियस को आर से नोट कर लो, बाद में तो आगे वो कर सकते हैं हम लोग, है ना, सिंपल से फॉर्मूला क्या है ये याद रख लो, है ना। अब ऐसे ही, अब ये हो गया प्लेन फिगर्स के लिए, अब दूसरा वाला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सा है, जैसे प्लेन एंगल है वैसे वो क्या होता है, ये होता है हमारा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, है ना, इसको भी हम लोग थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, डी थीटा। अभी देखो यहाँ पे भी थीटा या डी थीटा बोलते हैं हम लोग, देखो डी थीटा मतलब कंफ्यूज नहीं होना, डेल्टा, डेल्टा या डी टर्म जब भी आता है ना तो वो एक स्मॉल पोर्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जब भी डिनोट कर रहे हैं कि स्मॉल पोर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तब उसके आगे कोई भी टर्म के आगे डेल्टा लग जाता है ना। अब यहाँ पे भी देखो जनरली हम लोग इसको भी थीटा से भी डिनोट करते हैं, कभी ओहम से भी डिनोट करते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस वाला यूनिट है ना, डेल्टा ओहम या फिर डी ओहम या फिर सिंपल ओहम से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है ना, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या डिफरेंस है, सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल जनरली क्या होता है हम लोग थ्री डी डायग्राम्स के लिए यूज करते हैं, थ्री डी मतलब जिसकी थिकनेस होती है। अब थिकनेस होती है मतलब कैसी, कौन सी चीज, थिकनेस वाली चीज मतलब हम हमारे डे टू डे लाइफ में जितनी सारी चीजें यूज करते हैं सबकी क्या होती है, थिकनेस होती है। इवन दो हम जो नोटबुक के पेजेस यूज करते हैं उसकी भी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, हमारा मोबाइल फोन है ना, बिस्किट्स खाते हैं हम लोग उसकी थिकनेस होती है ना, नोटबुक हमारी उसकी थिकनेस होती है, पेन है उसकी थिकनेस होती है, हर चीज की थिकनेस होती है। तो वैसे चीजों क्या बोलते हैं हम लोग, थ्री डायमेंशनल फिगर्स या फिर सॉलिड्स, है ना। तो सॉलिड्स का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल कैसे समझेंगे हम लोग, जैसे कि देखो यहां पे मैं को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये समझना। देखो
ओके, और ये वाला कॉर्नर है ये डॉटेड आएगा, पीछे है दिखने रहा है ना, ओके तो देखो अब है ना ये पॉइंट्स को नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी डी है ना। अब ये क्या है, हम लोग एक स्पीयर है, स्पीयर का हम लोग एक कॉर्नर काट के लिए हम लोगों ने ना, जैसे हम लोग जाते हैं ना भाई कुछ कलिंगड़ वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं ना वाटरमेलन, तो वो ऐसे काट के बताते हैं ना, ऐसा कॉर्नर काटता है, सर्कुलर कॉर्नर काट के ऐसे निकाल के बताता है आपको, देखो लाल है ना, तो वो जो कॉर्नर है ना वैसा ही एक कॉर्नर का पॉइंट है, एक आर्क है ऐसे समझ लो है ना। या फिर आप केक खाने के लिए जाते हैं ना, पेस्ट्रीज होते हैं ना, केक के पेस्ट्रीज होते हैं है ना, बेकरी में पेस्ट्रीज देखने के मिलते हैं ना आप लोगों को है ना, वो पेस्ट्रीज भी वैसे ही होता है, लेकिन पेस्ट्रीज में क्या होता है वो एक पॉइंट पे नहीं आता, ये यहाँ पे आके एक पॉइंट पे मिल रहा है ना, ये एग्जैक्टली पॉइंट है ये है ना। केक में क्या होगा, केक में ऐसी लाइन रहेगी है ना, केक के में क्या होता है ये आके ऐसे मिलेगा, ये लाइन रहेगी ऐसे, ये ऐसी लाइन रहेगी ना, नीचे लाइन रहेगी, लेकिन ये एक पॉइंट पे आके मिल रहा है ना, ये चारों लाइंस पीछे से भी एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, पॉइंट है ना, एक पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। तो अब ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, इसका ये जो एंगल रहेगा, ये जो अंदर वाला एंगल रहेगा सस्टेंडेड एंगल, ये ऐसा जो एंगल रहेगा सॉलिड एंगल है ना, तो ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब इसको कैसे मेजरमेंट करने का, इसका भी फॉर्मूला नियर अबाउट सेम है, यही फॉर्मूला को याद रखो, सिर्फ ये वाला जो एंगल है इसको, ये वाला जो एरिया है, ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, मुझे जहां पे मैं नेट बना रहा हूं ऐसी वो ब्लैक कर रहा हूं मैं, ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया, ये जो सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया है ना, ये ऊपर वाले सरफेस का जो एरिया है ना, ये सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। देखो क्या होता है, डी फाई सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एरिया अपॉन द स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस का कौन सी है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट से, ए से ओ ले लो, बी से ओ, सी से ओ या डी से ओ, सारे का सारा डिस्टेंस सेम रहेगा है ना, और ये क्या रहेगी, ये रेडियस है ये है ना, ये ओ टू डी, ओ टू ए, ओ बी या ओ सी, ये चारों के चारों रेडियस सेम रहेंगे, क्योंकि ये सेंटर कंसिडर कर रहे हैं हम लोग है ना, तो चारों के चारों रेडियस सेम रहेंगे, तो आर का स्क्वायर क्या हो गया, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, कौन सा एरिया, सरफेस एरिया, इसको भी यहाँ पे अगर हम लोग डी फाई ले रहे तो डेल्टा ए हो जाएगा, स्मॉल एरिया है ना, स्मॉल सॉलिड एंगल के लिए स्मॉल एरिया अपॉन आर स्क्वायर है ना, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा सॉलिड एंगल का है ना। तो समझ में आया, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अभी इसका यूनिट क्या है ना, और इसका भी यूनिट नहीं देखा हम लोगों ने ना, इसका यूनिट क्या है, जैसे कि ये एंगल है थीटा है ना, एंगल को किसमें गिनते हैं हम लोग, एंगल बोलते के साथ आपको याद आएगा सर डिग्री में गिनते हैं हम लोग है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री है ना, वो तो वो भी यूनिट है, डिग्री में भी गिनते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट देखो एंगल का थीटा का ऐसा यूनिट होता है रेडियंस है ना, और इसका सिंबल कैसा होता है, इसको रेड है ना, आर ए डी, इससे हम लोग इसको, ये इसका सिंबल है रेडियंस का है ना, रेड। अब देखो रेडियंस और डिग्री में क्या रिलेशन है, अब लोग हम लोग को पता है कि पूरे सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री होता है ना, अभी 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रेडियंस है ना, तो इसी तरह से इसका अगर हाफ कर देंगे हम लोग 360 का, तो क्या हो जाएगा 180, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियंस है ना, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 रेडियंस एंड सो ऑन है ना, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस है ना, और रेडियन इसका यूनिट है, किसका, थीटा का, ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन है, थीटा मतलब क्या है, ये प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, क्या होता है, स्टेरेडियन है ना, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस टी है ना, एस डी, ये सिंबल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं स्टेरेडियन है ना, ये इसका एसआई यूनिट है। समझ में आ गया, तो चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे आगे की टॉपिक पे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वगैरह हम लोग को समझ में आ गया राइट, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होते हैं वो हम लोगों ने देखे है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। अभी देखो कन्वेंशनल